सगळ्यांना जय महाराष्ट्र, जय तेलंगणा, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी जय, शिवाजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की, आणि कुंभ्रम भीम की, कुंभ्रम भीम ज्योतिबा फुले यांना विनम्र अभिवादन, अहिल्या देवी होळकर यांना विनम्र अभिवादन, बाजीराव महाराज यांना वंदन। मराठी लोक जास्त आहेत का? अरे महासागर आलाय, महासागर मराठ्यांचा, आणि मराठा महाराष्ट्र आणि तेलंगणा एक रूप हो गया, ये नदी का महासागर बन गया है। आणि म्हणून मी खास करून मराठी माणसांना विनंती करायला आलोय, महाराष्ट्रातून 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने मी तुम्हाला विनंती करतोय की या वेळेस पायल शंकरांनाला, शंकरांना 3 वेळा थोड्या थोड्या मतांनी हुकला, पण तरी सुद्धा तुमची सेवा करायला चुकला नाही, आणि म्हणून या वेळेस मी स्वतः तुम्हाला विनंती करायला आलोय की शंकर अण्णाला विधानसभेत पाठवा, आणि या शंकर अण्णाची सेवा आज बघा, एकदा माणूस हरला दोनदा हरला की सोडून देतो, परंतु जिद्द हरला नाही। शंकर अण्णा की जिद्द को सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए, जहां भी देखो पूरी तरह सभी ऊपर नीचे है, सभी महासागर है, जन सागर, जनता का सागर। अनि इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि यहां पर मैं मोदी जी का, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। या तेलंगाना में विकास की गंगा लानी है। अभी मुझे बताओ कि पहले उन्होंने आश्वासन दिया था निल्लू निदुलू नियमाकुलू, क्या कुछ? नीलू मतलब पानी, निदुलू मतलब फंड, और नियमाकुल मतलब रोजगार, काम मिल गया आपको। अभी बोलते हैं वो चुनावी जुमला होता है। अभी मेरे को बताओ कि इनका पहले पार्टी का नाम क्या था? टीआरएस। बाद में क्या हो गया? बीआरएस। अभी इनको भेजो वीआरएस पे, बराबर है? और निशानी क्या है? अभी 10 साल हो गए, 10 साल के बाद गाड़ी किधर जाती है? 10 साल के बाद गाड़ी गैरेज में, भंगार में जाती है, बराबर? अब वैसे ही करोगे ना? और यहाँ का विधायक जो थे उनका कितना बार दर्शन हो गया आपको? और अभी मैं एक ही बात कहूंगा, ये शंकर अन्ना गरीब का अन्ना है, गरीब को मदद करने वाला है, गरीब का साथ देने वाला है। और इसलिए मैं यहां से शुरुआत किया प्रचार में, पहली सभा में बहुत बड़े व्यापारी उद्योगपति सब थे, दूसरी सभा में भी ऐसे आपके जैसे जनता यहां मौजूद थी, लेकिन आपने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरा पूरा रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया। और यहाँ पर इतनी भीड़ है,
इतने लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र परिवारों को इतना ही बताने का है, 30 तारीख को 3 नंबर का बटन दबाकर हमारे शंकर अन्ना का निशानी क्या है, कमल का फूल, ये माँ सरस्वती का, माँ भवानी का, ये समृद्धि का प्रतीक है और इसको आपको वोट करना है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में मैं प्रचार में गया था, वहां पर राहुल गांधी गए थे, बोले 10 दिन में किसान का कर्ज माफ करेंगे, 10 दिन खत्म, 5 साल हो गए तो भी किसान का कर्ज माफ। कर्नाटक में ऐसे ही वादे किए, वोट ले लिए, बाद में उनके मंत्री कहते पैसे नहीं कहां से देंगे, तो ऐसे झूठे वादे, झूठी गारंटी देने वालों को वोट करोगे? मोदी गारंटी, सही गारंटी, मोदी गारंटी। मोदी जी हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने बढ़ाया है और हम महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार को बनाया हम लोग ने, बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार महाराष्ट्र में लाई, वहां पर आम लोगों के, जनता के साथ 2019 में विश्वासघात किया, बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी करी, इसलिए मोदी जी को साथ हमने देकर महाराष्ट्र में बाबा साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्ववादी विचार वाली पार्टी को हमने बना दिया और इसलिए उनको मोदी जी का, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद है। वहां काम हो रहे, डबल इंजन की सरकार तेज दौड़ रही है और वहां पर आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे। आपके यहाँ कुछ काम प्रोजेक्ट हो रहे? कोई भी देखा नहीं, मैं ऊपर हेलीकॉप्टर में से कुछ भी नहीं चालू और इसलिए जो प्रोजेक्ट करे हैं उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन है। मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, अपोजिशन वाले कहते हैं करप्शन फर्स्ट। तो किसको वोट दोगे आप? किसको वोट दोगे? मोदी जी के गारंटी को, मोदी जी के विचार वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज देश का नाम नई ऊंचाई पर लेकर रखा है। बड़े बड़े अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष सब लोग मोदी जी के साथ कितने प्यार से रहते हैं। कोई सेल्फी निकालता है, कोई बॉस कहता है, कोई गले लगाता है, कोई पैर झुककर पैर छूता है, ये कभी देखा था आपने? तो इसलिए इसका हमें अभिमान है, गर्व है। हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाई, अभी 3रे नंबर पे लाने वाले हैं और इसलिए आज मैं एक ही बताऊंगा, मोदी जी ने 9 साल में 1 दिन भी की छुट्टी की थी? पूरा जीवन देश की सेवा में उन्होंने समर्पित कर दिया है। तो ऐसे विचार वाली पार्टी को हमें वोट देना है और इसलिए कुछ लोग बाहर जाके प्रदेश में हमारे देश की बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री जी की बदनामी करते हैं, लेकिन कितनी भी बदनामी हो 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी मोदी जी के सिवा, और इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस तेलंगाना में जो 10 साल में 70,000 करोड़ सरप्लस था, अभी 7.5 लाख करोड़ कर्जा है, कर्जा आपके सिर पे, और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जब मोदी जी की ये सोच है ये तेलंगाना का भी विकास हो, जैसे महाराष्ट्र का विकास हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, ये डबल इंजन की सरकार के वजह से, और यहाँ के
और पहले महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री अहंकारी थे। सोनिया गांधी को मिलते, शरद पवार को मिलते, सबको मिलते, लेकिन मोदी जी को मिलने में उनको थोड़ा अपमान महसूस होता। ये अहंकार, ये गो हम लोगों ने बाजू में कर दिया है और महाराष्ट्र के लिए जितने पैसे आना है हम लाते, वैसे ही तेलंगाना में भी आपको विकास के लिए पैसे लाने हैं, तो अपना ईगो बाजू में रखना है। और जैसे इन्होंने कहा था पिछड़े समाज को, जाति को न्याय देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने क्या कहा है? इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? बीसी, पिछड़े समाज को, बीसी समाज को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सोच है, एक आदिवासी महिला को मोदी जी ने राष्ट्रपति बना दिया। ये परिवारवाद पूरा खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है, और इसलिए इस बार का मौका आप मत गवाओ। इस बार परिवर्तन का मौका आपके सामने आया है। एक 10 साल पूरी मेजोरिटी मिलने के बाद भी अगर डेवलपमेंट नहीं होती है तो क्या करनी है ऐसी सरकार? इसलिए ऐसी सरकार बदलनी है। क्या बदलोगे आप? आप शुरुआत करो ये हमारे शंकर अन्ना से। और शंकर अन्ना एक गरीब का नेता है, एक जनता का सेवक है, एक लोगों को एक सुख दुख में शामिल होने वाला एक जन सेवक है। और इसलिए इतने लोग आप आ गए हैं, इतने लोग भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित है, और यही तो आज आपने पठप्पा लगा दिया है शंकर अन्ना की जीत पक्की है। और ये कौन सा हिमायत भी है क्या? MIM के साथ जुड़ाव किया, गठबंधन। जो MIM क्या बोलता है, 15 मिनट पुलिस को बाजू करो, 100 करोड़ हिंदू को खत्म करेंगे। ऐसे MIM के साथ ये BRS ने गठबंधन किया है। ऐसे लोगों को वोट दोगे? ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जय श्री राम बोलने को वोट दोगे? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, करोड़ों राम भक्तों का सपना है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाल साहेब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने। अभी कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई, और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, हम सब लोग जाएंगे। जय श्री राम। मादिगा समाज भी अपने साथ में, मादिगा समाज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यादव समाज, सब लोग, धनगर समाज हो, सभी समाज हो, यहाँ पर सब साथ में है, और सब साथ में रहकर मोदी जी का हाथ मजबूत करो, देश को आगे बढ़ाओ। मोदी जी कहते हैं मुझे क्या मिला, इससे मैंने देश को क्या दिया है। ऐसे देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी के विचार वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। परिवर्तन का मौका आपके हाथ में है, इसको आप क्या गवाओगे? इसलिए मैं एक ही कहूंगा, हमारे मुझे वहां जाना था, कुमरम भीम के दर्शन लेने को जाने थे, लेकिन हमें
वापस तरफ जाना है, धर्मपुरी में उधर भी इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं उनको, हमारा कैंडिडेट जाएगा उनको हार पहनाएगा, हमारे मंत्री जाएंगे उनको हार पहनाएगा, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्व मराठी बांधव भगिनींना पुन्हा एकदा मी मनापासून विनंती करतो की एक पण वोट इकडं तिकडं करू नका, एक सगळे बरोबर वोट देणार ना सगळे शंकरांनाला, आणि शंकरांना जेव्हा जिंकून द्याल तुम्ही त्यावेळेस त्याच्या विजयी रॅली मध्ये एकनाथ शिंदे परत येईल। धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आखिरी एक ही विनती करता हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सभी लोगों को मेरा वंदन है, नमन है, सभी ऊपर नीचे सभी खड़े हैं, ये शंकर अन्ना आपका आमदार बनकर विधानसभा में जाएगा और आपकी सेवा करेगा, ये वादा मैं करके जाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी। धन्यवाद। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसे सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।